क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस जो चैप्टर इज 4 एंड चैप्टर नेम इज मेटल एंड नॉन मेटल। तो आपके चैप्टर का नाम है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल है, हम उसके प्रॉपर्टीज से उसको समझते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मेटल है या नॉन मेटल है। जब प्रॉपर्टी की बात करें तो साइंस में फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दो तरह का प्रॉपर्टी होता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ये हमारा आज का टॉपिक है। पहला है फिजिकल स्टेट। जो मेटल या नॉन मेटल जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट में होता है? मेटल आपका सॉलिड स्टेट में होता है, एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी को छोड़ के बाकी सारे जितने मेटल होते हैं वो आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं। और नॉन मेटल जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में होते हैं। जो मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी आपका लिक्विड स्टेट में होता है। नॉट सेकेंड अपेयरेंस, वो दिखने में कैसे होते हैं, उसमें कलर है, लस्ट आता है। लस्ट आपका प्रॉपर्टी है जहाँ पे जब किसी ऑब्जेक्ट या मटेरियल पे लाइट फॉल करता है या रिफ्लेक्ट करता है तो वो शाइन करते हैं या नहीं करते हैं। जो मेटल होता है वो आपके गोल्डन येलो, जो ज्यादातर मेटल होते हैं वो गोल्डन येलो, सिल्वर ग्रे एंड रेडिश ब्राउन, इस टाइप के मेटल आपको मिलेंगे जो कलर है। और लस्टर प्रॉपर्टी, मेटल में लस्टर प्रॉपर्टी होती है जब मेटल में लाइट फॉल करता है या रिफ्लेक्ट करता है तो वो शाइन करते हैं, शाइनी होते हैं। ये आपके डिफरेंट कलर के होते हैं। नॉन मेटल का कोई भी कलर हो सकता है और ये लस्टर प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। नॉन हार्डनेस, वो हार्ड होते हैं या नहीं? जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं।
एंड पोटाशियम एक्सेप्ट सोडियम पोटाशियम को छोड़ के बाकी सारे मेटल जो है वो हार्ड होते हैं और नॉन मेटल आपके हार्ड ही होते हैं। जो इनका जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट में होते हैं, तो इनका सॉलिड फॉर्म में होता है वो भी आपका सॉफ्ट होता है। मैपेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट या मटेरियल को हिट करके एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका है उसको थिन शीट में कन्वर्ट करें, पतले शीट में कन्वर्ट करें, वो बिना टूटे हुए बिना ब्रेक, वो प्रॉपर्टी को हम मैपेबिलिटी बोलते हैं। मेटल्स में यह प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटल में नहीं होती है। ये ब्रिटल होते हैं। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉन कर सकते हैं थिक वायर में। अगर वायर आप देख रहे हैं तार, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल को थिन वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी मेटल में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल में नहीं होती है। जो इलेक्ट्रिकल वायर है आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर जो कवर है, जो प्लास्टिक का कवर होता है उसको हटा के देखेगा आपको वहाँ पे थिन पतला सा वायर दिखेगा जो मेटल का बना होता है। एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़ के बाकी सारे जो नॉन मेटल है उनमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है। थर्मल कंडक्टिविटी, जब कोई ऑब्जेक्ट हीट के कॉन्टैक्ट में आता है वो तो हॉट होता है या नहीं होता, तो मेटल जो ऑब्जेक्ट है वो जब हीट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हॉट होते हैं, गर्म होते हैं। जो मेटल है वो कलेक्टर ऑफ हीट है। जो नॉन मेटल है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो जब वो हीट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो हॉट नहीं होते हैं, गर्म नहीं होते हैं। साइलेंस है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो मेटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, करंट फ्लो होता है। इट्स मीन्स मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जब ये करंट या इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे करंट जो फ्लो होता है वो स्टॉप हो जाता है। बट मेटल अगर इलेक्ट्रिसिटी या करंट के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें करंट पास होता है वन साइड से अनदर साइड, इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल वायर में जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो मेटल यूज़ करते हैं। सोनरस वो प्रॉपर्टी होता है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट या मटेरियल को हिट करते हैं तो वो रिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मींस आप अगर किसी ऑब्जेक्ट या मटेरियल को हिट कर रहे हैं तो वो कुछ देर तक वहाँ पे जो साउंड होता है या आवाज़ जो होती है वो वाइब्रेट करती है, कुछ देर तक गूंजती है, उस प्रॉपर्टी को हम सोनरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है सोडियम पोटेशियम एंड मेटल में जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो सॉफ्ट होते हैं, मर्करी आपका लिक्विड स्टेट में होता है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी आपका मेटल में सोनरस प्रॉपर्टी सोडियम पोटेशियम एंड मर्करी को छोड़ के बाकी सारे मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल में नहीं होती है। जो मेटल होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मींस वो स्ट्रांग है कि नहीं उनका स्ट्रेंथ कहता है। जब हम कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग के या फिर रेलवे लाइन में या फिर ब्रिज में मेटल का मटेरियल यूज़ करते हैं क्योंकि उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, वो स्ट्रांग होते हैं, नॉन मेटल का नहीं होता है। डेंसिटी होती है, जब हम डेंसिटी वो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट या मटेरियल को हम ऐड करके थिन बना सकते हैं, मोटा बना सकते हैं, मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है। सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम को छोड़ के बाकी सारे मेटल में मेटल का डेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, नॉन मेटल में नहीं होता है। एक्सेप्ट मर्करी, मर्करी को छोड़ के बाकी सारे जो नॉन मेटल है वो डेंसिटी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। ये थे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।